हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पे। आज हम बात करेंगे लिटरेरी फॉर्म के अगले टॉपिक पे जो लिरिक से संबंधित है। और इसके पहले कि आप लोगों ने हमारे और भी जो पार्ट 1, 2, 3, 4 जो मैंने सोनेट और पे बनाए नहीं देखें तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक, तो आज के हमारे टॉपिक है लिरिक। व्हाट इज लिरिक पोएट्री? बेसिकली आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में जो फॉर्म्स एंड मोमेंट्स के फॉर्म्स ऑफ पोइट्री चल रही थी उस चीज़ पे हम बात कर रहे थे, और आज का हमारा नया टॉपिक लिरिक पोइट्री है। तो लिरिक पोइट्री बेसिकली म्यूजिकल टोन में, तो इस चीज़ को समझने के लिए हमको पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि लिरिक होती क्या है। देखिए, टाइप्स ऑफ पोइट्री का एक भाग यह है लिरिक। ए लिरिक पोएम इज़ ए शॉर्ट पोएम इन विच अ सिंगल स्पीकर एक्सप्रेसेस पर्सनल थॉट एंड फीलिंग। एक छोटी कविता होती है जिसमें एक आदमी अपनी पर्सनल, अपने निजी संबंधों को लेके, अपने विचारों को लेके ये लिखता है। ठीक, लिरिक पोएम कवर मेनी सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर करती है। छोटी पोएम रहती है, कई सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, फ्रॉम लव एंड डेथ, लव एंड डेथ से भी हो सकते हैं, टू एवरी डे एक्सपीरियंस, ये वो एवरी डे के एक्सपीरियंस के लव और डेथ के सब्जेक्ट मैटर को लेके भी ये पोएम हो सकती है। अब दूसरी पोएम क्या होती है, ए नैरेटिव पोएम। नैरेटिव पोएम देखिए क्या होता है, नैरेटिव पोएम इज़ ए पोएम दैट टेल अ स्टोरी, एक कहानी बताती है जो फ्लो में चलती है, एक सिक्वेंस के बाद एक एक घटनाएं होते होते क्लाइमेक्स पर पहुंचती है, लाइक अ नोवेल एंड शॉर्ट स्टोरी। देखिए मैंने क्या बताया, एक घटनाएं शुरू होकर अंत तक क्लाइमेक्स जाती है। नैरेटिव पोएम हैज़ करेक्टर, सेटिंग एंड प्लॉट, उसमें करेक्टर होता है, सेटिंग होता है, प्लॉट होता है, लेकिन यह लिरिक पोएट्री में तीनों नहीं होते। करेक्टर होता है लेकिन स्पीकर खुद होता है जो पर्सनल। आइए हम अपने पर्सनल पहले वाले टॉपिक पे बात करते हैं कि लिरिक होती क्या, व्हाट इज लिरिक। इस शब्द की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जीवन में एक म्यूजिकल टोन आता है, लिरिकल टोन आता है, वही लिरिक है जो म्यूजिक हमें फील होती है। लिरिक पोएट्री एक्सप्रेसेस द पर्सनल थॉट एंड फीलिंग ऑफ द सिंगल स्पीकर। देखिए, ये एक सिंगल स्पीकर के थॉट के, विचारों को, पर्सनल फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कहें कि अगर कोई प्रेमी है अपनी प्रेमिका को याद करके अगर वह कुछ लिखता है तो उसकी पर्सनल थॉट म्यूजिकल और मेलोडियस होनी चाहिए। इस स्तर पर देखिए आप बात करिएगा। दूसरा पॉइंट है मेलोडी या सॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर। देखिए इस चीज़ को मैंने बता दिया, मेलोडियस रहना चाहिए। यूज इमेजिनरी साउंड डिवाइस एंड फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगरेटिव लैंग्वेज भी यूज होनी चाहिए और उसके साउंड डिवाइस भी होनी चाहिए, इमेजरी भी होनी चाहिए। देखिए सर फिलिप सिडनी क्या, पोइट्री इज ए स्पीकिंग पिक्चर, पोइट्री इज ए स्पीकिंग पिक्चर, उन्होंने कहा है कि पोइट्री एक स्पीकिंग पिक्चर होती है जो बोलती है। बहुत ही प्यारी लाइन इन्होंने कहा सर फिलिप सिडनी ने, कि जो कविता होती है बोलती चित्र होती है। आइए अब अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। अब इसमें देखिए इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, पोइट्री की कहाँ से किस शब्द से बना होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। एंग्लो सैक्सन लिरिक पोइट्री एंड व्हाट इज़ लिरिक पोइट्री, इस चीज़ को अगर आगे हम बढ़ाते हैं अपने क्रमबद्ध में, द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम लैटिन। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम लैटिन लिरिकस, मीनिंग ऑफ और फॉर द लायर विच इज़ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपसे इससे कहानी जोड़ देता हूँ, जो लैटिन, ब्रिटेन, ग्रीक में होते थे तो लायर जो होते थे एक म्यूजिक को कहा जाता था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था जो बजाते थे, उसी से इस लिरिक्स को लिया गया है। इन लिरिक्स पोएट्री द मूड इज़ म्यूजिकल एंड इमोशनल, और जो मूड रहता है बहुत म्यूजिकल और बहुत भावात्मक होता है। द राइटर ऑफ ए लिरिक पोएम यूज वर्ड दैट एक्सप्रेसेस हिज हर स्टेट ऑफ माइंड, परसेप्शन, इज हर फीलिंग। वह अपने माइंड ऑफ के थॉट्स को लिखता है, अपने परसेप्शन को लिखता है, अपनी फीलिंग को लिखता है। जो लिरिक पोइट्री के राइटर होते हैं अपनी पर्सनल फीलिंग, परसेप्शन, उन्होंने क्या अपने अनुभव किया, अपने अंदर की भावनाओं को मेट करके वह लिखता है, या ऑल अबाउट द लिरिक होती है। देखिए आज हम लोगों ने लिरिक किस बेसिक पॉइंट पर डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे नीचे बता सकते हैं। ठीक, और आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहती है, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, जो लिटरेचर से संबंधित, इंग्लिश से संबंधित है, तो मैं उस पर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो लाइक लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। इसके लिए बस आपको एक काम करना है, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा देना है और हमारे साथ बने रहना है। ओके, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो पे।